लेटेस्ट जीकेएम एजीसी 8.8 9.0 का जो अपडेट है अवेलेबल हो गया है। हमने यहाँ पर Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर इस गूगल कैमरा का जो लेटेस्ट अपडेट है इंस्टॉल किया है एंड इस जीकेएम के साथ जो है ढेर सारी इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिलते हैं। काफ़ी बढ़िया DSLR जैसा फोटोज को भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर इस वीडियो में फोटो सैंपल को शेयर करने वाले हैं एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीकेएम एजीसी 8.8 का जो है डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ पर जाके आपके डिवाइस के लिए इस गूगल कैमरे को डाउनलोड कर सकते हो। एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 13, एंड्रॉयड 14 एंड एंड्रॉयड 15 के साथ भी ये जो जीकेएम का जो बिल्ड है काम कर जाएगा। यहाँ पर स्नैपड्रैगन मीडियाटेक टेंसर प्लस एक्सिनस के साथ भी ये जो जीकेएम का जो बिल्ड है काम करता है। सबसे पहले पर फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर टेलीफोटो लेंस, मैक्रो लेंस, अल्ट्रा वाइड लेंस में स्विच कर सकते हो, मल्टीपल लेंस का ऑप्शन है। यहाँ पर अपर्चर बटन देखने को मिलेगा, कलर मिक्स यूआई को ऐड किया गया है, लुमिना सैचुरेशन को आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क का जो फीचर से ऐड किया गया है, इसके साथ जो कस्टम वाटरमार्क को एनेबल और डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पर लाइका मोड देखने को मिलता है, ऑटो वाइड बैलेंस का ऑप्शन है जिसके साथ जो है आप एक्यूरेट कलर के साथ फोटो क्लिक कर सकते हो। HDR नेट के साथ आप जो है इंस्टेंट HDR फोटो क्लिक कर पाओगे। यहाँ पर 1x 2x का जो ऑप्शन है यहाँ पर काम कर जाएगा, प्लस टैप टू फोकस का ऑप्शन है एंड ये जो स्लाइडर है इसके साथ जो आप ब्राइटनेस एंड शेडो को भी एडजस्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर ऑटो नाइट साइड मोड, HDR मोड का ऑप्शन है, टाइमर का ऑप्शन है एंड वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो फीचर्स है अवेलेबल है। 4K 60fps के साथ भी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। एनीवे सबसे पहले यहाँ पर फोटो क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर 16:9 के साथ फोटो क्लिक करने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस का जो ऑप्शन है हमने इनेबल कर दिया है, एक्यूरेट कलर देखने को मिलेगा। नाइट साइड का जो ऑप्शन हमने डिसेबल कर दिया है, यहाँ पर HDR मोड जो है इनेबल है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर 2x के साथ जो है फोटो क्लिक करके देखते हैं एंड यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी फास्ट जो है पर फोटो जो है पर सेव हो जाएगा। यहाँ पर क्विक शेयर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, आप जो है काफ़ी फास्ट यहाँ पर सोशल शेयर का ऑप्शन है, डायरेक्टली फोटो को गूगल कैमरे से जो है यहाँ पर शेयर कर सकते हो जो कि काफ़ी फास्ट है एंड यहाँ पर HDR प्रोसेसिंग इंटीग्रेटर का जो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर इस तरह से हम जो है मल्टीपल फोटो क्लिक करने वाले हैं, सभी फोटो के साथ जो है बढ़िया क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो हम यहाँ पर 1x 2x के साथ जो है पर फोटो को क्लिक कर रहे हैं, काफ़ी बढ़िया जो है पर क्वालिटी देखने को मिल जाएगा फॉर श्योर। हम यहाँ पर मल्टीपल फोटो क्लिक करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल से एंड यहाँ पर टैप टू फोकस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर जो लाइका मोड का जो फीचर से देखने को मिलता है तो हमने यहाँ पर लाइका मोड को एनेबल किया है। लाइका सिनेमेटिक मोड के साथ भी कुछ फोटो क्लिक करके देखते हैं, डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया आपको जो है सोशल मीडिया रेडी फोटो क्वालिटी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लाइका मोड के साथ जो है काफ़ी बढ़िया बढ़िया फोटो क्लिक कर सकते हो, इनडोर हो जाए आउटडोर हो जाए सभी के साथ जो है आपको काफ़ी बढ़िया जो है पर क्वालिटी देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर जो HDR एनहांस मोड हमने सेलेक्ट किया है, HDR एनहांस मोड के साथ जो है मल्टीपल फ्रेम के साथ जो है पर फोटो क्लिक होता है एंड फोटो के साथ जो है बढ़िया क्वालिटी देखने को मिल जाएगा फॉर श्योर। और भी कुछ फोटोज को क्लिक करके देखते किस तरह से यहाँ पर जो है ओवरऑल क्वालिटी देखने को मिलेगा। हम यहाँ पर मल्टीपल फोटो को क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर मल्टीपल लेंस का जो फीचर से ऐड किया गया है, अल्ट्रा वाइड लेंस, मैक्रो लेंस, टेलीफोटो लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा उसे भी आप जो है चेकआउट करके देख सकते हो एंड काफ़ी फास्ट यहाँ पर फोटो क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर HDR मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, HDR एनहांस मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। बाकी यहाँ पर हमने लाइका मोड को फिलहाल जो है बंद किया है तो ये जो फोटो है हमने यहाँ पर लाइका मोड को ऑफ करके क्लिक किया था, अभी फिलहाल लाइका मोड को ऑन करके हम यहाँ पर इस जो फोटो है इस फोटो को यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, देखते किस तरह से यहाँ पर जो क्वालिटी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने मल्टीपल फोटो को क्लिक किया है एंड होपफुली सभी फोटो के साथ जो है बढ़िया क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है फोटो सैंपल के बारे में।
तो सबसे पहले हमने इस फोटो क्लिक किया था, देख सकते हो फोटो के ऊपर डिटेल्स काफ़ी बढ़िया है, 2x के साथ भी काफ़ी बढ़िया जो है यहाँ पर क्वालिटी देखने को मिल जाएगा फॉर श्योर, कोई भी इशू यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है एंड काफ़ी बढ़िया जो है नेचुरल फोटो क्लिक कर सकते हो। प्लस यहाँ पर जूम करने के बाद भी जो है क्वालिटी देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है, जो डिटेल्स है काफ़ी बढ़िया है, ब्राइट इमेज को क्लिक कर सकते हो। प्लस यहाँ पर सैचुरेशन कॉन्ट्रास्ट के साथ भी काफ़ी बढ़िया बैलेंस देखने को मिलता है एंड ऑटो वाइड बैलेंस को इनेबल करने के बाद जो है एक्यूरेट कलर देखने को मिल जाएगा, 2x के साथ भी जो क्वालिटी है सच में काफ़ी सही है एंड जो लाइट बैलेंस देखने को मिलता है वो भी काफ़ी बढ़िया है। प्लस फोटो के ऊपर ओवरऑल डिटेल्स भी बढ़िया है, HDR मोड, HDR एनहांस मोड भी काम कर जाएगा, सोशल मीडिया रेडी फोटो क्लिक कर सकते हो एंड काफ़ी फास्ट यहाँ पर फोटो को आप क्लिक कर पाओगे, जो शटर स्पीड है काफ़ी फास्ट है। तो यहाँ पर हमने मल्टीपल फोटो क्लिक किया है एंड आपको फोटो क्वालिटी कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना एंड हमने यहाँ पर लेटेस्ट GCam का जो रिव्यू भी शेयर किया है, आप सिंपली गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। तो यहाँ पर डेफिनेटली सोशल मीडिया रेडी फोटो क्लिक हो सकता है एंड DSLR जैसा फोटो को भी क्लिक कर सकते हो। ये जो फोटो है यहाँ पर लाइका मोड को ऑफ करके हमने क्लिक किया था, इस फोटो को हमने लाइका मोड को ऑन करके क्लिक किया था, तो यहाँ पर लाइट बैलेंस ओवरऑल काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली इस GCam को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। बाकी यहाँ पर इस GCam के साथ जो है मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन है अवेलेबल है, इमेज प्रोसेसिंग का ऑप्शन है, स्नैपड्रैगन 845 डिवाइस के साथ भी काम कर जाएगा, एंड्रॉयड भी नोट 11 डिवाइस के साथ भी काम कर जाएगा एंड यहाँ पर ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर सेटिंग्स मेनू के ऊपर डिवाइस इंटरफेस का ऑप्शन है, यहाँ पर जाके आप जो है अलग अलग पिक्सल डिवाइस का जो UI का जो फीचर्स है उसे आप जो है यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर पिक्सल 8 प्रो, पिक्सल 8 का ऑप्शन है, उसके अलावा यहाँ पर लेंस सेटिंग्स का ऑप्शन है, इमेज प्रोसेसिंग का ऑप्शन है, कस्टम वाटरमार्क का ऑप्शन है, सेव लोकेशन, कैमरा साउंड, गूगल लेंस सजेशन, सोशल शेयर, यहाँ पर गेशेस का ऑप्शन है, यहाँ पर डबल टैप एंड वॉल्यूम बटन को आप एज ए शटर बटन वॉल्यूम के लिए प्लस जूम करने के लिए यूज कर सकते हो एंड डिवाइस स्टोरेज का ऑप्शन है, यहाँ पर HDR कंट्रोल, रॉ फोटोज, HEVC फॉर्मेट में वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे, एनेबल टाइम लैप्स फॉर एस्ट्रो फोटोग्राफी, टाइमर लाइट एंड HDR नेट, ऑटो नाइट साइट, फोकस ट्रैकिंग, डिले आफ्टर फोकस का ऑप्शन है, यहाँ पर फ्रेमिंग हिंट्स प्लस कलर टेम्परेचर मतलब जो वाइट बैलेंस उसे आप एडजस्ट कर सकते हो, कलर मिक्स UI का ऑप्शन है, ब्राइटनेस एंड शेडो को एडजस्ट करने के लिए जो एक्सपोजर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। तो डेफिनेटली आपके डिवाइस के ऊपर GCam AGC 8.8 का जो लेटेस्ट वर्सन है ट्राई करके देखो एंड गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है उसे भी चेकआउट करके देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।